यही बात है। आज लपू लाइव में बहुत बोल रहा था वो, आजकल उसका मुंह खुल गया है। सही बोलो, मैं आपको एक बात बताऊं, कर रहे हैं मैं एक बात छोटी सी मैं आप लोगों को बताती हूँ काम की। देखिए अगर भाई दिवे जिस काम, देखिए जो काम नहीं हो रहा था उसमें मोमिन मलिक सर आए हैं, और मोमिन मलिक सर आने के बाद हम लोगों को इतने सारे राज खुले हैं, हम लोगों के सामने, हमारे सामने इतनी सारी बातें आई हैं, हम कौन होते हैं उनके उसमें वो करने वाले। मैं भी अपना कार्ड टांग के गले में मैं भी चली जाऊं अपनी गाड़ी उठा के, चलो भैया हम भी चलते हैं, मैं कौन होती हूँ। उन्होंने जो सारा काम कर लिया है उसमें अब मैं टांग अड़ाऊंगी तो फिर मैं उनकी तोहिन कर रही हूँ, मैं उनके काम की तोहिन कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई देखो मोमिन सर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आए दिन हम लोगों की सच बात टीवी लाइव आ गए, तो मैं नहीं हम नहीं चाहते हैं कि मोमिन सर के काम में हम अड़ंगा डालें, क्योंकि वो हमारे आगे हैं, हम उनके पीछे पीछे हैं। मैं आपको सिर्फ एक और बात बताऊं, क्या आस्था माँ के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जाके कुछ कर सके? वो कर सकती है बिल्कुल, बहुत जल्दी मोमिन सर लाइव आएंगे, बिल्कुल बहुत जल्दी आएंगे। अभी थोड़ा सा गले का इश्यू चल रहा है उनका, दोनों बहुत नया करके बोल रहे थे, अच्छा नशा करके बोल रहे थे, एक्चुअली करा होगा उन्होंने नशा, डेफिनेटली किया होगा वो कल्पना उन्होंने नशा, क्योंकि आज हमारा जो है व्रत भी है, और ये लोग सोचते हैं कि भाई जो शिव जी हैं वो भांग वगैरह पीते हैं, वो भांग का नशा करते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने किया होगा, डेफिनेटली मैं एग्री हूँ आपसे। वो जब ऐसे भी वो नशा करके बैठे रहते हैं, तो आज तो उसने जब वो नवरात्रों में वो अंडे करी से अपना व्रत खोल सकती है, तो आज भांग क्यों नहीं पी सकती है। देखिए मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा स्वीटी, आपने ये बात की है ना कि मोमिन सर को सरपास करना, मोमिन सर से पूछे बगैर कोई भी काम करना हमें शोभा नहीं देता। हमें चाहिए मोमिन सर की इंस्ट्रक्शन पे काम करना। उन्होंने एक सारा लेटर बना हुआ है उनके नाम का, वो एक प्रॉपर वकील हैं, अंसार बरनी साहब से भी आज बात हुई है, एक प्रॉपर लीगल मैटर होता है। कभी भी खुद उठ के लड़ाइयां लड़ने का, जब सारा कुछ हो गया है तो अब आप जाके लड़ाई लड़ोगे तो ये लड़ाई नहीं है, ये कम में कड़म डालने वाली बात होती है। तो प्लीज मैं यही कहूंगा कि मोमिन सर की इंस्ट्रक्शंस के बगैर किसी को कोई हक नहीं है कि अपने तौर पर कोई भी डिसीजन ले, ना तो गुलाम हैदर ने ऑथराइज किया है, ना अंसार बरनी ने ऑथराइज किया है, ना मोमिन सर ने ऑथराइज किया है। जब तक मोमिन सर कोई बात नहीं कहेंगे, हम क्यों मोमिन सर की लाइफ को देखते हैं, हम क्यों अंडरस्टैंड करते हैं, हम क्यों, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, उन्होंने वो कुछ कर लिया है कि जो शायद हम लोगों को पता भी नहीं है। तो प्लीज किसी के बहकावे में मत आए, किसी की अपनी चापलूसियां या अपने चैनल को चमकाने या अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्करों में वीडियोस बनाने की क्या जरूरत है। अगर आपको जाना ही है, अगर आपको करना ही है काम, तो फिर आप करें ना, वीडियोस बना के वो दिखा के, ये देखो मैं यहाँ पर, दिस इज नॉट अ राइट वे टू डू। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप सिंसियरली काम कर रहे हैं, जैसे मोमिन सर कर रहे हैं, तो मोमिन सर जो काम हो जाता है उस पर बात करते हैं, ना कि वो बात कर रहे होते हैं जो वो करने जा रहे हैं या जो वहां पे कर रहे हैं। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। या जितने भी लोग मेरे यहाँ पर देख रहे हैं, वही लिख रहे हैं कि मोमिन सर ने कम्युनिटी पे क्लियर कर रखा है, वाकई में उन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है भाई कि कोई भी फालतू की पब्लिसिटी लेने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि केस में मैं लॉयर हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, तो हमें क्या किसी काले कुत्ते ने काट रखा है जो हम जबरदस्ती उस काम में वो करें, हम तो नहीं करते ऐसे। प्रीति जी आपने बिल्कुल सही बात की है कि अगर वीडियो नहीं बनाएगी तो दूसरे की मेहनत पर पानी कैसे फिरेगा, यही तो बात है, इसी चीज की तकलीफ है। आई एग्री इसी चीज के लिए। अगर ये बात इकरा जुनेजो ने कही है तो उसने भी गलत की है, उसने बिल्कुल गलत बात की है, कोई तुक नहीं था उसको ये बात करने का। अगर वो, मैं इस बात में बिल्कुल क्लियर हूँ, अगर इकरा ने भी उसको कहा है और तो गलत बोला है, उसने बिल्कुल गलत बोला, उसको नहीं बोलना चाहिए ये बात, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए ये बात, ठीक है ना। तो मैं इसलिए ये बात आपसे कहूंगा कि किसी की मेहनत पर नहीं, किसी की कराई, उसने अपने बंदे ने टाइम दिया है, पैसा लगाया पल्ले से, उन्होंने तो कुछ कमाया नहीं है, तुमने बैठ के यहाँ पर तो हजार हजार व्यूज इकट्ठे कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया, तुम्हारी तो जेब गर्म हो।